अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सारा किचन एंड व्लॉग्स से। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक सिंपल वे में पास्ता बनाना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, और अगर पसंद आता है तो फिर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पास्ता बनाने। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसको गैस पे चढ़ाएंगे और इसमें दो गिलास, इस गिलास से नाप कर दो गिलास पानी डालेंगे। इस पानी में एक चम्मच ऑयल डालेंगे। ये बड़ा चम्मच है, लेकिन छोटे चम्मच से मैंने एक चम्मच ऑयल दिया है। ये एक चम्मच ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए पानी बॉयल होने लगा है। अब इसमें हम पास्ता डालेंगे। ये आधा मग पास्ता है हमारा, इसको सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। तो ये देखिए पास्ता हमारा सॉफ्ट हो गया अच्छे से। अब हम गैस को ऑफ करते हैं। तो ये देखिए मैंने पास्ते को और ड्रेन कर लिया है, सारा पानी इसका वो हो गया, छन चुका है। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, गर्म हो चुकी है। अब इसमें एक चम्मच बटर डालते हैं। एक से डेढ़ चम्मच हमने बटर डाल लिया है और ये गर्म हो रहा है। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज कट कर लिया है स्लाइस में। कि मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ का कट कर लिया है। थोड़ी सी आधी शिमला मिर्च है उसे कट किया है। ये कैरेट है आधी, इसको भी कट कर लिया है। एक छोटा टमाटर है और दो हरी मिर्च है जो मैंने बारीक कट कर लिए। तो बटर मेरा मेल्ट हो चुका है, तो प्याज शामिल करते हैं उसमें। तो ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो गया है, इसको लाल नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स हैं हम डाल देते हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स हमारी शिमला मिर्च और कैरेट, टमाटर और ग्रीन चिली, ये हम सब शामिल कर देते हैं इसमें। इसको भी थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं। इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। तो उबालते समय भी पास्ते में मैंने नमक डाला है, तो ये थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं और उसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे सब्जियों को। तो देखिए सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें मैगी मसाला आधा चम्मच डालेंगे, यानी ये आधा पाउच डालेंगे इसमें। मैगी मसाला से शामिल करते हैं उसको। अच्छे से मिक्स करते हैं। थोड़ा सा नार का सेजवान सॉस डालेंगे एक चम्मच। तो ये एक चम्मच सेजवान सॉस डालते हैं इसमें, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो अब ये तैयार है, इसमें हम अपने बॉयल पास्ता डालते हैं, शामिल कर लेते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। पास्ता तैयार हो चुके हैं, अब इसको हम सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ों को भी पसंद आते हैं। तो आप मेरे तरीके से बनाइए और एंजॉय करिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी मुझे कैसी लगी।